चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह सुबह। तो अब आपको सीधा रेडी होने हेलो मीठी फैमिली मेम्बर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मीठी सो के उठी है, और आप बिस्तर की हालत देख के ही समझ गए होंगे। थोड़ा मैं सेट कर रही हूँ कि यार आप लोग देख रहे हो क्या कहोगे इसलिए। और वैसे भी अभी पूरे कमरे की सफाई होनी बाकी है, पर मैं नहीं कर पाऊँगी सफाई क्योंकि मुझे सुबह सुबह ही निकलना है। तो अभी बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम था, मुझे टाइम अभी याद नहीं है वॉइस ओवर देते टाइम, पर हाँ 6 के पहले का टाइम था, सुबह के 6 बजे से पहले का टाइम था। और मैं नहा ली थी फटाक से, और ये लोग सो रहे थे ना, तब मैं बिस्तर नहीं सेट कर पाई, वरना मैं बिस्तर भी सेट कर देती। तो फटाफट से मैं अभी मेकअप कर रही हूँ, मेकअप क्या मतलब थोड़ा सा टचअप कर रही हूँ, और मुझे जाना है कहीं बाहर, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ से बाहर जाना है, और दूसरी सिटी जाना है, मतलब आउट ऑफ सिटी जाना है। और मैं कुछ सामान जो है वो लेकर भी जाऊँगी क्योंकि मुझे वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कहाँ जाऊँगी वो सब कुछ मैं आगे आपको बताती हूँ, आप लोग बने रहो ब्लॉग के साथ। उठ गए सो के आज जल्दी। सो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं फटाफट से और जा रहे हैं जहाँ पे जाना है। ये देखो पीछे पिंकी दीदी बैठी हुई हैं, ये देखो, और इनसे सुबह सुबह ये इडली भी खा ली मेरे पेट में, तो वो भी नहीं जा रहा था, बस मैं चाय पी हूँ और बिस्किट खाई हूँ और फटाफट से आ गई हूँ। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह सुबह वो भी। तो बने रहो ब्लॉग के साथ। नहीं रहा कहाँ लगा है, पीला पीला है ना, इसलिए एकदम हल्का सा लगा, छूट जाएगा। तो अब क्या सस्पेंस रह गया, अब तो आप जान ही गए हो कि हम जा रहे हैं शादी में। मैं लड़की की शादी में जा रही हूँ, लड़के की शादी में जा रही हूँ, किसकी शादी में जा रही हूँ, मैं उससे खुद मिलवाऊंगी, जिसकी शादी है उससे खुद मिलवाऊंगी ब्लॉग के लास्ट में। और अभी हम लोगों को सबको मिली है मैंगो बाइट, मतलब टॉफ़ी ये वाली, और क्योंकि यार बस है तो बस में खाते पीते जाओ, सबके साथ इंजॉय करते जाओ, तो समय का पता नहीं चलता है क्योंकि अभी हमें काफ़ी दूर जाना है। और यहाँ पर इनकी छोटी सी गुड़िया थी जो कि मेरे पास सोई थी और बहुत देर तक मस्ती की मेरे साथ। और अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे हो रहा है क्या, जो गीत होते हैं ना शादी विवाह वाले गीत, वही सब यहाँ पे हो रहा था। जो मुझे समझ में आ रहा था वो मैं इनके साथ गवा रही थी, और जो मुझे समझ में नहीं था मैं नहीं गा पा रही थी। तो आप लोग भी सुन लो। तो मेरा आपसे एक बात कहना है मुझे आप लोगों से, कि अगर कहीं पे बोर लगा करे ना, थोड़ा सा स्किप कर दिया करो, पर ब्लॉग को पूरा देखा करो यार, इतनी मेहनत से ब्लॉग बनता है। तो यहाँ पे पिंकी दीदी बैठी हुई है और यहाँ पे पेट्रोल टंकी के पास गाड़ी खड़ी हुई थी, और उसके बाद ऐसा खड़ी हुई कि गाड़ी बिगड़ ही गई। उसके बाद इतनी भयंकर वाली गर्मी लगी ना कि सारे जितने थे ना बस में बैठे थे सब उतर उतर के नीचे आ गए, और हमारी बस उस साइड बन रही है और इधर हम हवा ले रहे हैं खड़े होकर। जब भी कहीं जाओ गाड़ी क्यों खराब होती है यार, बीच में अवश्य खराब होती है ना, तो नहीं होती ना, गर्मी में कुछ ना कुछ फॉल्ट होते ही हैं, कुछ भी गाड़ी वो पार्ट हो, गाड़ी इतने गर्म हो जाते हैं सारे पार्ट। अब यहाँ पे सेल्फी हो रही है, है ना, सेल्फी मेरे लिए, जिन्होंने सेल्फी ली उनसे ले लेंगे हम लोग भी। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद गाड़ी जो है वो थोड़ी सी बन गई थी, और रास्ते में आगे जाने के बाद फिर से वही बवाल, मतलब बीच जंगल में गाड़ी ख़राब हो गई फिर से। और थोड़ा सा डर भी लगता है यार कि बीच जंगल है और शादी वाली बस है, तो थोड़ा डर भी लगता है, पर थोड़ी देर के लिए ये गाड़ी सही हो गई थी। तो बस भी स्टार्ट हो गई और हमारा जो देवी गीत सॉरी जो शादी गीत था वो भी स्टार्ट हो गया, और मुझे समझ में आ रहा था तो मैं भी गाने में मतलब गा रही थी सबके साथ में। अच्छा लगता है जब ढेर सारे लोग गाते हैं ना, तो हाँ लगता है कि हाँ हम जा रहे हैं शादी में। तो यहाँ पे अच्छे से शादी गीत गा रही थी आंटी लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं भी साथ में गा रही हूँ और आप लोग भी सुन लो, और ना पसंद आया तो स्किप कर दे।
मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरा मतलब गीत पसंद है, जैसे लोकगीत, भजन, शादी गीत, ये सब। इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप जो है वो डाल दिया है। अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो आप स्किप भी कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग मतलब गाना गाने के बाद खाने को भी मिल गया और यहाँ पर नमकीन और बालूशाही मिला था, तो चलो खा लेते हैं। गाए गाना आप खाए खाना। तो आप सिर्फ महसूस करिए कि पहाड़ों से भरा हरा भरा एक जगह, उस पे बस चल रही है उस रोड पे, और पहाड़ों को बीच से पहाड़ों के बीच से रोड निकल रही है, और साथ में मतलब म्यूजिक भी चल रहा है, खाने को भी मिल गया, तो उस टाइम पे कितना आनंद आ रहा होगा। और मुझे हर एक गाड़ी में अच्छा लगता है, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो ऑटो हो, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। मुझे कभी उठे वगैरह भी नहीं होती गाड़ी में। तो आप मोड़ देख सकते हो कि कितनी ख़तरनाक मोड़ है, ऐसे रोड मतलब पहाड़ को चीरते हुए पहाड़ को काट काट कर रोड बनी हुई है। और इतना खूबसूरत व्यू था, इतना सुंदर लग रहा था, पर जहाँ पे ना एक ऊँचा सा पहाड़ वाला रास्ता आया वहाँ पर ये बस बैठ गई, मतलब बस खड़ी हो गई और चल ही नहीं पा रही थी, ख़राब हो गई थी बस, तो एकदम साइकिल की तरह चल रही थी धीरे 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 धीरे। फिर हम लोगों को बस से उतरना पड़ा और टाइम पे पहुंचना भी ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोगों की जो बस ख़राब हो गई ना, तो फिर हम लोगों को फोर व्हीलर लेने आई थी, और उसी फोर व्हीलर में सब लोग, अब सोचो बस की सवारी इतनी सारी, तीन चार फोर व्हीलर में किसी तरीके से सब लोगों ने एडजस्ट किया। मेरी बस हो गई है ख़राब, और देखो मेरी छोटी सी बच्ची, इतनी बड़ी बच्ची मेरे को, और सब लोग इसी में से जा रहे हैं, अब वहाँ तक पहुँचना है क्योंकि लेट हो रहा है ना। हाँ बहुत ज़्यादा। वैसे ना एक बात कहूँ, सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप इंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो ना अंदर से, तो आपको हर जगह मजा आएगी। और मुझे यहाँ पे भी बहुत मजा आ रही थी, वैसे भी इनका वेट है ही कितना, बहुत हल्की फुल्की हैं, और बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा था, मतलब धूप बिल्कुल गायब हो गई थी, मतलब ये दोपहर का ही टाइम था पर धूप नहीं थी और बादल छाया हुआ था, तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी मुझे हरी भरी जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये हम लोग पहुँच गए जहाँ हमें आना है, वहाँ पहुँच चुके हैं। देखो इनकी ब्लॉगिंग चालू है, ये देख रात को अच्छा लगेगा यहाँ पे। वैसे अभी चलो फिलहाल अंदर चलते हैं, हमें यहाँ चलना है, यहाँ अंदर चलो चले। तो जैसे ही हम लोग हॉल के अंदर पहुँचे, यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, मतलब सॉन्ग चल रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हाथ पैर मुँह जो भी है वो सब धोएंगे, फ्रेश फील करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नाश्ता था वो लग चुका था हम लोगों के लिए। तो चलो कर लेते हैं नाश्ता, देखते हैं नाश्ते में क्या क्या है। था तो बहुत कुछ, पर गर्मी के हिसाब से बस कोल्ड ड्रिंक ही अच्छा लग रहा था, पर मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया था, क्योंकि खाना भी मुझे बहुत पसंद है मुझे सब कुछ बहुत पसंद है यार, तो चलो खाते हैं। ये देखो पिंकी दीदी सेहत वाली चीज़ खाती है, और आप भी खाती है, मुझे पसंद नहीं है, मीठा पसंद आ रहा है, आप क्यों नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मजाक मस्ती करते करते खा पी रहे हैं, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैं बस से इतनी दूर से आई थी, क्योंकि थकान लगी ही नहीं यार इतना ज़्यादा, मतलब सब लोगों ने टाइम पास कर दिया कि थकान नहीं लगी। और ये देखो मैं क्या क्या लेकर बैठी हूँ, अब मैं खा पी लेती हूँ उसके बाद रूम में चलती हूँ। फिर पता नहीं क्या हो गया, काट लिया। सो गाइस हम लोग वहाँ से नाश्ता करके और खाना खा के आ चुके हैं, कढ़ी चावल पूड़ी सब्जी सब कुछ था बढ़िया, तो खा पी के अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखो तकिया वगैरह लगी है, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, सब लोग खा लेंगे तब तक। और आज ही के दिन सगाई भी है, तिलक भी है और शादी भी, तो अभी पहले ये जो दुल्हन है, होने वाली दुल्हन बनने वाली, तो ये सबसे पहले सगाई के लिए रेडी होंगी, और उसके बाद होगी रात में शादी। तो ये ऐसे गिरेगा क्या यार बार बार, क्योंकि जो खिड़की है ना वहाँ अब बाहर से थोड़ा दिख रहा है अंदर की तरफ का, तो वो चलो अब दुल्हन रेडी होने वाली है सगाई के लिए, और फिर आप लोग सगाई इंजॉय करना और उसके बाद शादी इंजॉय करना। और हाँ अभी चलो ब्लॉग को चलो यहीं पे एंड कर दे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ब्लॉग लंबा, और अब दुल्हन आपको सीधा मिलेगी रेडी होने के बाद, है ना। क्यों हमारे फ्रेंड्स को मिलेंगी ना रेडी होने के बाद, हाँ तो अब आपको सीधा रेडी होने के बाद मिलेंगी। तो चलो इस सारे ब्लॉग का करते हैं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ देखना जरूर दुल्हन कैसी लग रही तैयार होने के बाद, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।